Moving on to more news and coming from Rajasthan, where BJP MLA and candidate from Vidyagar Nagar in Rajasthan, Narpat Singh Rajvi, has sparked a controversy by saying that Muslims are not BJP voters. When asked about if the BJP was playing the Hindu card and why no Muslim was given a BJP candidate list in Rajasthan, Narpat Singh made this bizarre comment. Listen in first. हमारे वोटिंग स्ट्रेंथ कहाँ पे है? वोटिंग स्ट्रेंथ जहाँ पर होगी उन उसमें जो अच्छा कार्यकर्ता उसको देंगे। दिखाने के लिए कि ये साहब अल्पसंख्यक को हमने दिया है इसको खुश करना, हमारे कार्यकर्ता हैं लेकिन उतनी संख्या नहीं है और परसेंटेज जो वोट हमारे कास्ट में ही होता है, नहीं होता है तो उनको टिकट भी नहीं मिलता है। कांग्रेस से आए, हबीबुर रहमान जी हैं तो कांग्रेस से आए, वो हमारी विचारधारा के कब से हुए, आज भी नागौर में उनके इर्द गिर्द जितने भी थे वो बीजेपी का एक भी कार्यकर्ता नहीं है, तो उसमें थोड़ा फर्क पड़ता है। और मेरे सहयोगी वरुण जुड़ रहे हैं हमारे साथ लाइव इसी खबर पर। तो वरुण, आखिरकार ये कंट्रोवर्सी के बीच में क्या ये खुद का अपना ओपिनियन है नरपत सिंह का, या पूरी बीजेपी राजस्थान में ऐसी फॉलो कर रही है? क्योंकि बार बार यही देखा जाता है जब भी इलेक्शंस चुनावों का वक्त होता है हिंदू मुस्लिम कार्ड जरूर खेला जाता है। देखिए, सबसे पहले 131 कैंडिडेट्स की बीजेपी की लिस्ट आती है, उसमें एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया जाता है। उसके बाद और 31 लोगों की लिस्ट आती है, सेकंड लिस्ट जो आती है उसमें भी एक भी कैंडिडेट मुस्लिम को टिकट नहीं दिया जाता है। इसके बाद जो अपोजिशन है वो लगातार इस बात को उठाता रहा और बीजेपी उसका बहुत तरीके से जवाब देती रही। सुधांशु त्रिवेदी ने भी कल कहा कि हम कास्ट और क्रीड के हिसाब से वोट नहीं देते, टिकट नहीं बांटते। लेकिन आज नरपत सिंह राजवी, जो कि भैरव सिंह शेखावत के दामाद भी है और वो सिटिंग एमएलए भी हैं विद्याधर नगर के, और इस बार भी उन्हें विद्याधर नगर से टिकट मिला है, उन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया कि जो कास्ट हमारी वोटर्स नहीं हैं उसके लिए उनको हम टिकट नहीं देंगे और हमारे कार्यकर्ता भी अल्पसंख्यक नहीं हैं इसलिए हम अल्पसंख्यकों को टिकट नहीं देते। ये उन्होंने साफ साफ कहकर एक कॉन्ट्रोवर्सी अब खड़ी कर दी है, जिसमें उन्होंने इस चीज़ को पूरी तरह से साफ कर दिया है कि इसलिए अल्पसंख्यकों को टिकट नहीं मिला क्योंकि अल्पसंख्यक ना तो हमारे वोटर है ना ही हमारे कार्यकर्ता हैं। और अब जो ये कंट्रोवर्सी है वो अपोजिशन को बैठे बिठाए एक इशू मिल जाएगा और अपोजिशन इस इशू पर बीजेपी सरकार को पूरी तरह से घेरेगा क्योंकि लेकिन वरुण, बीजेपी ने ऐसा पहली बार तो किया है नहीं, चाहे यूपी के चुनावों के बारे में बात हो। आप बने रहिए हमारे साथ, नरपत सिंह जी हमारे साथ खुद ही जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। नरपत सिंह जी, मुसलमानों को चुनावों में हिस्सा नहीं मिला, कोई टिकट नहीं मिली, आपका कहना है कि क्योंकि वो आपके कार्यकर्ता नहीं है ना वो आपके वोटर है इसलिए टिकट नहीं दी जाती मुसलमानों को? जी, जीतने का प्रत्याशी, जीतने वाला प्रत्याशी, जीता वो प्रत्याशी हो उसे टिकट देने का रहता है प्रयास। अब ये केंद्र तक का सबने इस पे निर्णय लिया है। ये भी जैसे नागौर से प्रत्याशी रहे हैं तो वो हमारे बेसिकली बीजेपी के तो नहीं रहे, कांग्रेस से उधार लिए हुए थे, वो वापस कांग्रेस में चले गए। हमारे को तो हमारे राष्ट्रभक्त हो और जीतने वाला कह रहे हैं, जो हमने बाइट कैप्चर करी है आपकी, आप उसमें सीधे तौर पे कह रहे हैं कि मुसलमान हमारे वोटर नहीं इसलिए उनको कोई टिकट नहीं, वोटर नहीं, जीताऊ नहीं है हमारा वोट, वोट के साथ हमारे साथ वोट कम करते हैं, हमारे पास ज्यादा ये कैंडिडेट भी नहीं है। पिछली बार कितना था, दो कैंडिडेट, कौन वोट कम करते हैं है जी, कौन वोट कम करते हैं, कौन वोट कम करते हैं? अल्पसंख्यकों के वोट तो हमारे साथ ज्यादा नहीं है, जो है वो हमारे साथ है और रहे जिताऊ कैंडिडेट होगा। क्या आपकी पार्टी सिर्फ हिंदुओं की पार्टी है? राजस्थान में भी अगर देखा जाए तो सिर्फ हिंदुओं को ही टिकट मिलेगी, अभी दो लिस्ट आई हैं, सिखों को भी इसमें टिकट मिला है और क्रिश्चियंस यहाँ पे है नहीं, सिख है, जैन है, सबको मिला है टिकट, ये भी अल्पसंख्यकों में, जैन भी अल्पसंख्यक नहीं है क्या? नहीं, पर आप मुसलमानों के लिए खास तौर पे कह रहे हैं कि इसलिए टिकट नहीं दी गई, वो हमारे वोटर नहीं है, बाकी अल्पसंख्यकों के बारे में बात कर रहे हैं, और भी तो है इस देश में। आप सुनना भी नहीं चाहती तो वो तो उसका तो मैं नहीं कह सकता, वो आपका इंटरप्रिटेशन है, मेरा कहना नहीं है, सॉरी।
हमारी इंटरप्रिटेशन क्या होगी नरपत सिंह जी, जो आपने कहा है वो हमने दिखाया है दर्शकों को, हम उसी के बारे में आपसे पूछ रहे हैं। Don't try to put cut and pieces में से नहीं होता वो, पूरा सेंटेंस अगर आपके पास होता तो वो आपको महसूस नहीं होता। कट एंड पीसेस से तो एडिट करके पूरा चलाया कहा जा सकता जी, है पूरा का पूरा चलाया है जो आपने कहा है, जो आपने कहा है सीधे तौर पे कहा है ज्यादातर कि जहां तक लिस्ट आई है मुसलमानों को टिकट इसलिए नहीं दी गई क्योंकि मुसलमान हमारे वोटर लिस्ट में नहीं आते, मुसलमान हमारे वोट बैंक नहीं है। क्या आपने ये नहीं कहा? वोट बैंक की राजनीति भाजपा करती है। कैंडिडेट लिस्ट में नरपत सिंह जी टिकट नहीं दी गई है। कैंडिडेट लिस्ट हम थोड़ी बनाते हैं, कैंडिडेट लिस्ट जिन्होंने बनाई उनसे बात करिए, उनसे पूछिए। जीताऊ कैंडिडेट के जो सामने आए हैं अधिकांश, चलिए मतलब आप सिर्फ अपना कमेंट देंगे लेकिन आप उसके ऊपर कोई जवाब देने को तैयार नहीं है क्योंकि ये बड़ी कंट्रोवर्सी हो सकती है और आखिरकार अभी चुनाव बस आने ही वाले हैं राजस्थान में, भारी ना पड़ जाए आपको। धन्यवाद आपका बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए रिपब्लिक टीवी पर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद नरपत सिंह जी। तो वरुण के पास वापस जाते हैं। वरुण, जहां तक हमने देखा है कि चुनावों में आखिरकार क्या विनिंग कैंडिडेट को देखा जाता है या उसके धर्म को देखा जाता है जब टिकट बांटी जाती है? देखिए, पिछली बार यूनुस खान को टिकट मिला था, वो डीडवाना से जीतकर भी आए थे और वो मंत्री भी रहे, उन्होंने रोड डिपार्टमेंट में जो काम किया उसको सरकार ने सराहा भी। हबीबुर रहमान भी विधायक रहे थे जो जिनको टिकट नहीं मिलने पर वो कांग्रेस पर चले गए। और जहां तक नरपत सिंह राजवी ये कह रहे हैं कि वो मुसलमानों के बारे में बात नहीं कर रहे, तो फिर वो क्यों अल्पसंख्यकों के बारे में बात करते हैं और सीधा सीधा जो रेफरेंस देते हैं वो हबीबुर रहमान का देते हैं, ये उनसे पूछना चाहिए। तो जाहिर तौर पर बीजेपी ने इस बार मुसलमानों को टिकट नहीं दिया है। यूनुस खान उनके परफॉर्मिंग मिनिस्टर रहे हैं और बहुत अच्छा उन्होंने काम भी किया और डीडवाना से वो आते भी हैं, वो जिताऊ कैंडिडेट भी हैं, फिर भी उनको टिकट नहीं दिया। हबीबुर रहमान जिताऊ कैंडिडेट हैं नागौर से, उनको टिकट नहीं दिया, इसके बारे में बीजेपी के पास कोई स्पष्टीकरण है नहीं। कल जब सुधांशु त्रिवेदी से भी ये सवाल पूछा गया, उन्होंने भी साफ साफ ये कहकर टाल दिया कि हम कास्ट और क्रीड के हिसाब से नहीं करते। लेकिन देखने वाली बात यह है कि अपोजिशन को बैठे बिठाए अब एक मुद्दा मिल जाएगा और पहले तो लिस्ट में नाम नहीं आना और उसके बाद इस तरह के कॉमेंट्स करना। कल बनवारी लाल सिंगल जो अलवर से एमएलए सिटिंग एमएलए हैं, उनको अभी टिकट कटा तो उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि मैं हिंदुओं की बात करता हूं, अगर इसलिए मेरा टिकट कटा है तो ऐसे वजहों को 100 टिकट कुर्बान, इस तरह के कमेंट्स लगातार आ रहे हैं और ये जाहिर तौर पर कांग्रेस को बैठे बिठाए मुद्दा मिलने वाली बात है। जी बिल्कुल, आगे के चुनावों में देखते हैं क्या होता है क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं किया है बीजेपी में, यूपी के चुनावों में भी ऐसा ही देखा गया था, अब शायद राजस्थान में भी, अभी तो दो ही लिस्टें सामने आई हैं। वरुण, आपका फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड लेट्स